नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज में आप खबरें विस्तार से। सेक्टर 9 में आज महिला नेत्री श्वेता मिश्रा के नेतृत्व में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे। तीज मिलन के अवसर पर महिलाओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। विधायक ने कहा कि सेक्टर 9 में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे। तीज मिलन के अवसर पर महिलाओं ने रंगारंग प्रस्तुति गाना अनेकों प्रस्तुति दी। विधायक ने कहा कि सेक्टर 9 में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूं। इसमें काफी संख्या में महिला उपस्थित थी। महिलाएं जो दिनचर्या छोड़कर एकत्रित हुई हैं और एक ही मंच पर आते हैं, अलग से ही उत्साह नजर आता है। आज सेक्टर 9 में तीज मिलन समारोह का कार्यक्रम था। हमारी यहाँ की बहनों को मैं शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने ये आयोजन किया। बहुत ही वृहद आयोजन था, बड़ी संख्या में बहनें थी और सबके मन में जो उत्साह दिख रहा था, खुशी दिख रही थी, ये देखते बनता है। क्योंकि देखिए, सब अपने दैनिक जीवन में इस तरीके से एक फोरम में जब सब लोग आके एक साथ खड़े होते हैं तो उसका एक अच्छा संदेश जाता है। अब हम तो लगातार ही जनता के बीच में, मुझे लगता है कि मैं हमारे भिलाई विधानसभा की हर स्ट्रीट, हर मोहल्ले पिछले 5 सालों में 200 बार जा चुका हूँ और हमारे रिश्ते हैं आपस में, लोगों से मिलना जुलना, उनके काम और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सूबे के सबसे वीआईपी जिले दुर्ग में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। चोर अब चोरी करने के लिए रात का इंतजार नहीं करते, दिन दहाड़े अब लोगों के घर में घुसकर सेंधमारी कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दुर्ग के पद्मनाभपुर में रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति रोज की तरह घर को लॉक कर अपने क्लिनिक चले गए और इधर पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने घर से सोने चांदी व हीरे के जेवरात व 3 लाख नकदी पर हाथ साफ कर दिया। देर रात जब डॉक्टर दंपत्ति लौटी तो उन्हें चोरी का पता चला। इस मामले में डॉक्टर दंपत्ति ने पद्मनाभपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 380-457 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल पद्मनाभपुर के MIG 249 में रहने वाले डॉक्टर बसंत वर्मा नेत्र विशेषज्ञ हैं। उनकी पत्नी रश्मि वर्मा हृदय रोग विशेषज्ञ है। दोनों डॉक्टर दंपत्ति रोज की तरह सुबह अपने क्लिनिक चले गए तो वहीं देर रात करीबन 10:15 पर लौटे। उनकी पत्नी वापस घर लौटी तो देखा कि पीछे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर देखा तो किचन की अलमारी खुली थी, पहली मंजिल पर लॉकर भी खुला था और सारा सामान बिखरा था। बेडरूम की तीनों अलमारियां भी खुली हुई थी। सामान का मिलान करने पर एक सोने का पेंडेंट, एक हीरे का पेंडेंट, एक जोड़ी हीरे की कान की बाली और कुछ सोने चांदी के जेवरात, FD, पासबुक, बैंक लॉकर की चाबी, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड आदि गायब मिले। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जहां पर एक डॉक्टर दंपत्ति के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा कुछ कैश और ज्वेलरी चोरी कर ली गई, उस पर से क्राइम ब्रांच की टीम और संबंधित थाने की टीम को लगाया गया है। फुटेज प्राप्त हुए हैं और हमने काफी हद तक उसमें मामले को निकाल लिया है। देर शाम तक इसमें खुलासा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। इन दिनों ATM तोड़कर कैश चुराने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों भिलाई व दुर्ग के 3 ATM में सेंधमारी हुई जिसमें चोरों ने 70 लाख के करीब कैश पार कर दिया। दुर्ग जिले के अंडा थाना अंतर्गत फिर एक बार अज्ञात आरोपियों ने ATM तोड़ने का प्रयास किया है। अंडा थाना पुलिस ने बताया कि रुआ बांधा भिलाई निवासी सोमेन ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। सोमेन अंडा स्थित श्रीजी फ्यूल्स में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। उसने बताया कि पेट्रोल पंप के बगल में लगा BTI ATM स्थित है। प्रतिदिन की भांति ATM को चेक करके सही हालत में देखकर अपने घर रुआ बांधा गया। दूसरे दिन सुबह करीब 8:45 पर आकर देखा तो ATM का कैश निकलने वाला कवर तथा लॉक टूटा हुआ था। मशीन में तोड़फोड़ की गई थी। किसी ने ATM में घुसकर चोरी करने के लिए ATM मशीन में तोड़फोड़ की है लेकिन कैश नहीं निकाल पाया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 380-457-511 के तहत अपराध दर्ज कर चोर की तलाशी शुरू कर दी है। एडिशनल SP संजय ध्रुव ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के द्वारा ATM तोड़कर पैसा निकालने का प्रयास किया गया है। CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंडा थाने का मामला है, वहाँ पर ATM में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ATM में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया है। अभी उसमें अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। लोकल लड़के होने की संभावना है और ये बहुत जल्दी वो भी पकड़ में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में गणेशोत्सव का उत्साह देखते बन रहा है। दर्जन भर से ज्यादा स्थानों पर भव्य पंडाल का निर्माण कर विराजित गणपति बप्पा का दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। चिखली स्थित SR अस्पताल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर रोज अस्पताल के संचालक, डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा भव्य आरती की जाती है। संचालक का कहना है कि पूरे विश्व के लोगों को गणेश उत्सव की ढेर सारी बधाई। SR अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल परिवार हमेशा खड़ा है। श्री गणेशाय नमः। आप सभी दुर्गवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को और विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों को श्री गणेश उत्सव पर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।
कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व श्री गणेश जी घर घर में विराजते थे। सार्वजनिक रूप से श्री गणेश उत्सव की शुरुआत श्री बाल गंगाधर तिलक ने एक बड़े आंदोलन आजादी के लिए की। एक बड़ी लड़ाई श्री भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से लड़ी गई और भारत आजाद हुआ। इसी प्रकार समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जब मरीज अस्वस्थ होता है, चाहे वह कैंसर का मरीज हो, चाहे वह मोतियाबिंद का मरीज हो, या फिर शुगर का मरीज हो, बीपी का मरीज हो, ऐसी कई प्रकार की गंभीर और जटिल बीमारियों से जब मरीज ग्रसित हो जाता है तो वह अकेले नहीं लड़ता है। जिस प्रकार हम गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से सब मिलकर घर परिवार वाले मनाते हैं, उसी प्रकार मरीज के लिए हम सभी उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस के, उसके शुभचिंतक मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। और इस लड़ाई में एसआर हॉस्पिटल सदैव मरीज के साथ रहता है। एसआर हॉस्पिटल की ओर से पुनः बारंबार गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई एवं आनंद शुभकामनाएं। आप सभी के स्वस्थ एवं मंगल रहने की कामना करता है एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage, and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. आपका स्वागत है। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ साधना सिंह। देश भर में शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही है। सामाजिक संगठन और देशभक्त जहाँ शहीद ए आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किए। भिलाई में भी सामाजिक संस्था द्वारा इनकलाब यात्रा का आयोजन किया गया। इस इनकलाब यात्रा में शामिल होने स्वयं राजगुरु के भतीजे प्रशांत राजगुरु और शिवराम सुखदेव के पोते विशाल नैयर भिलाई पहुंचे हैं। इस इनकलाब यात्रा में शामिल होने पहुंचे शहीद राजगुरु और सुखदेव के परिजनों ने बताया कि शहीदों के यादों में यह आयोजन सरकार के द्वारा होना चाहिए, लेकिन संस्थाएं यह आयोजन कर रही है। सुखदेव के पोते विशाल नैयर ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह शहीद नहीं थे तो उनकी जयंती और शहादत दिवस के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाना बंद कर देना चाहिए। उनके परिजनों को सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया, गुमनामी के अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा भगत सिंह राजगुरु के शहादत को फिल्मों के माध्यम से देखते हैं, लेकिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।
सरकारें नहीं चाहती कि कोई भगत सिंह इस राजनीतिक में पैदा हो। मेरा परिचय, मैं प्रशांत राजगुरु। यहाँ जो रंग दे बसंती जो फाउंडेशन है, उनके दिलराज सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, इन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है। महान क्रांतिकारक भगत सिंह जी की जो 116वीं जन्म जयंती है, उस उपलक्ष्य में आज यहाँ इनकलाब यात्रा का आयोजन किया है, उसके लिए हमें उन्होंने बुलाया है। जी, हुतात्मा राजगुरु जो है, उनका पूरा नाम शिवराम हरे राजगुरु था, और पुणे के नज़दीक खेड़ बोल के एक गाँव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनकी पढ़ाई खेड़ और नज़दीक जो शहर है पुणे, वहाँ हुई। मैं सबसे पहले भिलाई वासियों को और रंग दे बसंती ग्रुप का और दिलराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस पे, जो आज एक इंकलाब जो यहाँ यात्रा निकालने जा रहे हैं, मैं उनकी तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करता हूँ, और मीडिया कर्मी जो यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी बदौलत जो हमारी आवाज़ें हैं सरकार तक, लोगों तक पहुँचती है। आपका, आपकी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। रंग दे बसंती ग्रुप हमारा है, इसके द्वारा आज इंकलाब यात्रा शहीद आजम भगत सिंह जी के जयंती के अवसर पर निकाली जा रही है, जो सेक्टर 4 से स्टार्ट होकर शहीद पार्क में ख़त्म होगी। इस प्रोग्राम में आज हमारे बीच में राजगुरु जी के भतीजे और सुखदेव जी के नाती जो पंजाब से आए हुए हैं, राजगुरु जी के भतीजे पुणे से आए हुए हैं, वो हमारे बीच में हैं और वो हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। तो यह यात्रा हम लोग आज निकाल रहे हैं, ये यात्रा हमारी जो समर्पित है शहीदों को। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में एडिशनल SP संजय ध्रुव के द्वारा बैंक के अधिकारियों का मीटिंग लिए। इस मीटिंग में दुर्ग जिले के समस्त बैंक अधिकारी उपस्थित हुए। त्योहार सीजन को ध्यान में रखते हुए दुर्ग जिले के बैंकों की सुरक्षा को लेकर CT SP संजय ध्रुव ने अधिकारियों के साथ सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में बैठक हुई। इस दौरान जिले भर के राष्ट्रीय और सेमी बैंक के पदाधिकारी के साथ एडिशनल SP संजय ध्रुव की भी बैठक हुई एवं कई अधिकारियों समेत जिले के DSP भी मौजूद थे। बैठक में बैंक के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए। बैंक की सुरक्षा को लेकर बैंक के अंदर और बाहर CCTV कैमरे इंस्टॉल करने तथा बैंक में पहुंचने वाले संबंधित व्यक्तियों पर नज़र रखने का निर्देश दिया गया। बैंक की सुरक्षा की जांच करने पहुंचने वाले अधिकारी बैंक परिसर में अटेंडेंस बनाएंगे। बैंक के CCTV कैमरे के DVR को सुरक्षित स्थान पर रखने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा बैंक में लगे अलार्म को दुरुस्त करने तथा थाना प्रभारी DSP सहित अधिकारियों का नंबर बैंक अधिकारियों के पास रखने का भी सुझाव दिया गया। आज दुर्ग शहर और भिलाई शहर के जितने भी बैंक मैनेजर्स हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी मीटिंग आहूत की गई थी। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह था कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान रखते हुए लोगों का आवाजाही बैंक परिसर में ज़्यादा होना है और पैसे का ट्रांजेक्शन और मूवमेंट ज़्यादा होना है। ऐसी परिस्थिति में लोगों की जान माल और खासतौर से उनका जो कैश है मूवमेंट सुरक्षित हो, इसके लिए बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ पुलिस कैसे समन्वय स्थापित करे ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा बेहतर ढंग से की जा सके। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे निर्देश भी इनको जारी किए। बहुत सारे बैंक के ATM में गार्ड्स की अनुपस्थिति है, कुछ बैंक में तो बैंक परिसर में ही गार्ड नहीं है। अगर गार्ड हैं तो ना वो ट्रेंड हैं, ना ही वो उनका काम सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। वो बैंक परिसर में असिस्टेंस का काम करते रहते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। बैंक परिसर में जैसे ही बैंक खुलता है, गार्ड को अपने जो स्थान है, जो गेट है, वहाँ पर ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। वो हमको जो बैंक ऑडिट है उसमें दिखा है, और ATM गार्ड की भी आवश्यकता है। CCTV सुरक्षा अलार्म आदि के निर्देश इनको दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पूरे 11 दिनों तक विधि विधान से बैठे भगवान गणपति का हवन पूजन कर विसर्जन किया जा रहा है एवं DJ की धुन पर थिरकते भक्तों ने भगवान गणपति का विसर्जन कर अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। दुर्ग
जिले के भिलाई स्थित मदर टेरेसा नगर में ज्ञानोदय विद्यालय 1989 से संचालित हुआ है। इसके परिसर में ही बच्चों का खेल मैदान है। अब स्कूल मैदान में निगम के द्वारा सियान सदन बनाया जा रहा है, जिसका विरोध वार्ड के पूर्व MIC सदस्य दिवाकर भारती के द्वारा किया जा रहा है। स्कूल का जमीन बच्चों को खेलने के लिए है, ना कि सियान सदन बनाने के लिए। अब कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं पूर्व MIC सदस्य दिवाकर भारती ने अपनी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को इस्तीफा सौंप दिया है। भिलाई स्थित मदर टेरेसा नगर में 35 सालों से ज्ञानोदय विद्यालय संचालित है। अब भिलाई नगर निगम के द्वारा विद्यालय में सियान सदन बनाने प्रस्ताव आया है। निगम ने सियान सदन बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया। इस बीच वार्ड के पूर्व MIC सदस्य दिवाकर भारती ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर के भीतर कैसे बनाया जा सकता है, दूसरे जगह बनाओ और भी जगह खाली है। इस पर जोन आयुक्त ने कहा कि सरकारी जमीन है, यहाँ पर ही बनाया जाएगा। इस पर पूर्व MIC सदस्य ने कहा कि एक दिन का वक्त दो, पहले महापौर और विधायक से और एक बार बात कर लेते हैं। इस पर अधिकारी ने कहा कि अब और बात करने का वक्त नहीं दिया जा सकता। पूर्व MIC सदस्य ने कहा कि ऐसे में वे यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे। जॉन आयुक्त ने कहा कि अगर ऐसा करते हैं तब मजबूरी में फोर्स बुलाकर निर्माण करवाया जाएगा। इस बीच जोन आयुक्त के सामने स्कूल के सदस्यों ने भी परिसर के भीतर सियान सदन निर्माण करने की बात का विरोध किया। महिलाओं ने भी आकर सियान सदन स्कूल परिसर में बनाने से मना किया। इसके बाद भी जोन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि उनको यह काम करना है, विरोध जिसको करना है करे, वे अपने काम को अंजाम देंगे। स्कूल के कुछ सदस्यों ने जोन आयुक्त से अलग अलग से बात भी की। पूर्व MIC सदस्य दिवाकर भारती ने बताया इस मामले में वे पहले ही महापौर नीरज पाल और विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा कर चुके हैं। वे दूसरी जगह सियान सदन के लिए चयन करने की बात किए थे, तब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर मौजूद थे। अगर अब नहीं मान रहे तो बनाइए सियान सदन। पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी ने तो इस स्कूल के बच्चों के लिए कमरा भी बनवाया था। एक पार्षद ने पुस्तकालय के लिए कमरा बनवाया था। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब किसी ने स्कूल में इस तरह से दखल नहीं दिया। अब पार्टी के लोग ही स्कूल संचालन में दखल दे रहे हैं। सियान सदन का निर्माण करवाने के लिए निगम के अधिकारी स्कूल पहुंचे, विरोध होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को भी तैनात किए थे। उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर भिलाई जिला मुकेश चंद्राकर को इस्तीफा सौंप दिए हैं। यहाँ 300 करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का निर्माण किया जाता है तो उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। सियान सदन का निर्माण कार्य किया जाता है तब यहाँ वे टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनका पुतला भी फूंका जाएगा। अंत में निगम के अधिकारी स्कूल के एक हिस्से का नाप लेकर लौट गए। कैंप क्षेत्र में एक गरीबों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल है, ज्ञानोदय ज्ञान मंडल, जिसका मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं और आज भी हूं उसका फाउंडर मेंबर। वो एक करीब 40 साल पुराना स्कूल है, जिसमें करीब आज भी 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं। बीच में कोरोना काल के दौरान उनके जो प्राचार्य थे, जो देख रेख करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसी दरमियान 2-3 साल तक स्कूल बंद रहा। तभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस स्कूल में कोई एक आध कमरे में कब्जा कर लिया गया। कब्जा करने के बाद उन्होंने शासन से मांग की कि यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाया जाए, और सामुदायिक भवन बनाने के लिए उन्होंने प्रभारी मंत्री जी के द्वारा वहाँ पर सेंक्शन कर दिया गया। और पूरी जगह, पूरा शारदा पारा कैंप क्षेत्र खाली होने के बावजूद भी उनका कहना है कि इसी स्कूल के बाउंड्री वॉल के अंदर ही बनाएंगे। इस बीच मैंने हमारे महापौर जी नीरज पाल जी से भी मुलाकात किया और उनको इसको बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है दिवाकर, जा दूसरी जगह हम स्थल परिवर्तन कर देंगे, और मुझे आश्वस्त किया उन्होंने। और मैं भिलाई नगर के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी से भी मिला, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि हम स्थल परिवर्तन करके उस भवन को कहीं और बनवा देंगे। लेकिन इसी दरमियान नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार स्कूल पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम इसी भूमि पर
भवन को बनाएंगे और कल की घटना जो है वो पुलिस फोर्स लेकर के दीवार को तोड़ने के लिए आए और लेआउट देकर गए और मुझसे बहसबाजी हुआ और मैंने मुकेश चंद्राकर जी को भी इस बात का संज्ञान में लाया कि इस तरह की घटना हो रही है। मैं एक कांग्रेसी होने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के लोग बैठे हैं सत्ता में, फिर भी मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। इस तरह बलपूर्वक और दबाव पूर्वक जिस प्रकार से उस स्कूल में भवन बनाने की जो कार्रवाई की जा रही है वो पूर्णतः गलत है। इसलिए मैं अपने ही पार्टी और अपने ही लोगों से क्षुब्ध होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और मैं अब स्वतंत्र होकर उस स्कूल को बचाने के लिए आंदोलन करूंगा। आगे मैं आंदोलन करेंगे हम लोग स्कूल को बचाने के लिए, पूरे जन आंदोलन छेड़ा जाएगा उस स्कूल को बचाने के लिए कि उसके अंदर भवन न बनाया जाए। भवन बन जाता है तो बच्चे खेलने के लिए जगह नहीं बचती है और फिर उसमें कुछ बहुत सारे भवन है जिसमें असामाजिक तत्वों का हमेशा डेरा रहता है, जहां अवैध कारोबार और बहुत सारी बुराइयां उसमें उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग नहीं चाहते कि उसके अंदर भवन बने, भवन को कहीं और बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिला में आकाशीय बिजली गिरने से 5 माह की गर्भवती महिला, उनकी सास व एक ग्रामीण महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरी घटना देवरी थाना क्षेत्र ग्राम किसाना की है, जहां खेत में निदाई कार्य करने गई सास बहू व एक ग्रामीण महिला खाना खाने के बाद पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी अचानक मौसम खराब होने के साथ बारिश और गरज हुई। इसी बीच आकाशीय बिजली महिलाओं के पास गिर गई, जिसकी चपेट में आने से तीनों महिलाओं की मौत हो गई, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया। मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है। घटना की सूचना मिलते ही संसदीय सचिव व विधायक कुंवर सिंह निषाद अस्पताल पहुंचे। मृत परिवारों को ढांढस बाद सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज 3:30 बजे सूचना मिला कि ग्राम कृष्णा में तीन महिला खेत में जो काम करने गई थी, आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में देवरी हॉस्पिटल लेके आए हैं। जाके तस्दीक किए तो वहाँ पे मृतिका चमेली बाई, उसकी बहू कामिन और उसके साथ में काम करने वाली गांव की बसंती साहू, जो तीनों मृत अवस्था में लाया गया था और उसका शव पंचनामा कार्रवाई किए हैं और शाम होने से आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाई है, कल प्रातः पोस्टमार्टम करके उसके परिवारजन को सपोर्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव में स्टेट स्कूल के मैदान में 23वीं राज्य स्तरीय सोशल क्रीडा प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर उपस्थित रही। इस दौरान यहां 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है एवं इसी दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति भी दी। राजनांदगांव के महंत राजा बलराम दास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेट स्कूल मैदान में स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का आगाज किया है। छत्तीसगढ़ महतारी और मां सरस्वती की छाया चित्र में दीप प्रज्वलित कर एवं पूजा अर्चना कर क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित की गई है। देवीसी राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में। बच्चों के खेल को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ से बच्चे निकल के नेशनल लेवल पर जाते हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं। और पिछली बार भी हमेशा की तरह राजनांदगांव की मेजबानी करने का मौका मिलता है। राजनांदगांव संस्कारधानी हमेशा विभिन्न जिले में आए खिलाड़ियों का स्वागत करती है और उनकी मेजबानी भी बहुत अच्छे से करती है और इसी प्रकार ये बच्चे आज आए हैं, मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बालक और बालिका के लिए निर्धारित आयु 14 से 19 वर्ष तक है। इस प्रतियोगिता में हॉकी, बास्केटबॉल, हॉलीबॉल, बैडमिंटन और सॉफ्टबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर हेमा देशमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।